किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ाया हूँ, एक नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ाया हूँ। सीने से लगा लेना तू मुझे आए भारत माता, अपने माँ की बाहों को तरसता छोड़ाया हूँ। तो आइए बाबू वीर कुंवर सिंह की प्राचीन धरती जगदीशपुर में आप सभी का स्वागत है। किसी जमाने में जमींदारों की रियासत रही यह नगरी, आज नगर पंचायत के रूप में बिहार के आरा जिला में स्थित है। बात करें इतिहास की तो अनेकों पंडे खुलकर हमारी नजरों के सामने आ जाते हैं। प्राचीन काल में उज्जैनी राजपूत इस रियासत में शासन करते थे, जो कि परमार वंशज के होने का दावा करते थे। वही परमार वंशज जिनके राजा भोज के नाम पर भोजपुर जिले का नामकरण हुआ था। 1702 में शुरू हुआ शासकों का दौर 1947 में आकर विराम ले लेता है। सुजान शाही ने सर्वप्रथम इस नगर को राजपूताना जमींदारी रियासत की राजधानी 1702 में बनाया था और दिग्विजय सिंह ने अंतिम शासक के रूप में 1947 में यहां की सत्ता इंडियन यूनियन को सौंप दिया। कई शासन को देखा इस नगर ने अपने ऊपर और उस शासन में मुगलों का भी शासनकाल शामिल था। सभी शासन एक तरफ और 1977 में जन्मे बाबू वीर कुंवर सिंह का शासन एक तरफ। इन्होंने अकेले ही इस नगर को वो पहचान दिलाई कि आज पूरा भारतवर्ष इस नगर को इनके नाम से ही जानता है। वो 1857 का दौर था जब पूरा हिंदुस्तान आजादी की प्यास को शांत करना चाहता था। वो वक्त जब पहली बार हिंदुस्तान में व्यापक रूप से स्वतंत्रता आंदोलन की मशाल जगी, जब पूरे हिंदुस्तान में आजादी की गूंज सुनाई देने लगी, जब पहली बार अंग्रेजों को एहसास हुआ कि हिंदुस्तान पर हुकूमत उनकी इतनी आसान नहीं होगी, तब हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह ने उस मशाल को बिहार में जलाया और पूरे हिंदुस्तान में ये संदेश दिया कि जवानों की इस टोली में 80 वर्ष का एक बुढ़ा भी अपने खून में उबाल महसूस कर रहा है। और अंग्रेजों को गर्व करनी होगी हुकूमत हमारे हिंदुस्तान पर, तो इस खून के उबाल की गर्मी उनको भी झेलनी होगी। कूद पड़े वो आजादी की जंग में और उनके तलवार की खनक अंग्रेजों के कानों और जिस्म में सिहरन पैदा करने लगी। उस लड़ाई में उनके भाई बाबू अमर सिंह और प्रधान सेनानायक हरि कृष्ण सिंह ने अपनी ताकत और देश प्रेम से पूरा साथ दिया था बाबू वीर कुंवर सिंह का। 9 महीने तक लगातार 15 युद्ध में विजयी रहे हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह के 80 वर्ष के आयु और उनके हौसले को देखकर ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने भी अपने कलम को उनका बखान करने से नहीं रोक पाए। उन्होंने तो यहाँ तक लिख डाला कि शुक्र है कि अंग्रेजों की लड़ाई के समय वीर कुंवर सिंह की उम्र 80 हुआ करती थी, कहीं अगर वो 18 होती तो शायद 1857 में ही अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ता। आज की मोहब्बत को देखकर मोहब्बत की परिभाषा समझने वालों को बाबू वीर कुंवर सिंह ने उसी समय मोहब्बत की परिभाषा समझा दी थी जब इन्होंने समाज में तिरस्कार झेलने वाली और समाज की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर समझी जाने वाली एक नर्तकी धर्मन बीवी से ब्रह्मपुर के बाबा परमेश्वर नाथ के मंदिर में सात फेरे लेकर समाज के धार्मिक बंदिशों को प्रेम के तलवार से काटकर नारी सम्मान की मिसाल कायम की थी। 23 अप्रैल 1858 में इन्होंने अपने जीवन की आखिरी लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को इन्होंने अपने अंतिम समय में भी खदेड़ कर और जगदीशपुर के किले से गोरों के झंडों को उखाड़ कर ही दम लिया था। 9 महीने तक लगातार युद्ध करने के पश्चात जब ये अपने रियासत में गंगा को पार करते हुए लौट रहे थे तो बलिया से शिवपुर आने के क्रम में अंग्रेजों ने इन्हें घेर लिया और गोलियां चलाने लगे। एक गोली इनके बांह पर भी लगी, फिर भी ये अपने किले में पहुंचने में सफल रहे। गोली का जख्म गहरा होने के कारण इन्होंने अपने किले में ही 26
1858 को अंतिम सांस ली। पूरा भारत जगदीशपुर के इस बहादुर सपूत के बलिदान को याद करता है। और यदि हम आज के नगर पंचायत जगदीशपुर की बात करें तो वर्तमान में यह 332 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और कुल मिलाकर 79 छोटे बड़े गांव इस नगर पंचायत के अंतर्गत आते हैं। इस नगर का सबसे बड़ा आकर्षण वीर कुंवर सिंह के नाम पर खोला गया संग्रहालय और पार्क है, जो कि इस नगर की सबसे बड़ी शोभा है। यहाँ शिव मंदिर वाला तालाब अपने आप में प्राकृतिक आकर्षण का अद्भुत नमूना है। यहाँ चारों ओर सुंदर घाट के बीच स्वच्छ जल का तालाब है। इस तालाब के किनारे छठ पूजा करने के लिए न केवल जगदीशपुर नगर के निवासी बल्कि आस पड़ोस के कई गांवों के लोग यहाँ पर आते हैं और आस्था के महापर्व छठ को संपन्न करते हैं। अनेकों मंदिर मस्जिद इस नगर की कौमी एकता को प्रस्तुत करते हैं और यहाँ के सभी लोग सभी धर्मों के सम्मान के साथ वीर कुंवर सिंह के द्वारा स्थापित सर्वधर्म सम्मान का पालन करते हैं। इस नगर की मुख्य सड़कों चाहे संकरी गलियां, हर रास्ते का पथ निर्माण किया जा चुका है, जो कि यह भी बताता है कि विकास के संदर्भ में भी यह नगर काफी आगे है। आरा मोहनिया पथ के किनारे स्थित यह नगर लगातार वाहनों के आवागमन को देखता है। मुख्य बाजार में व्यावसायिक प्रतिष्ठान सैकड़ों की संख्या में स्थित है, जो कि अनेक गांवों के लोगों को क्रय विक्रय के लिए इस नगर में आकर्षित करते हैं। यहां पुलिस थाना के आसपास स्थित खेल मैदान नगर के युवाओं के लिए खेल कौशल विकसित करने का और अनेकों लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक सुगम माध्यम बनता है। कई निजी और सरकारी विद्यालयों के साथ साथ अनेक कोचिंग संस्थाएं यहां विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में लगे हैं। ऑप्टिक्स क्लासेस के चंदन सर, इंटर मैथ और फिजिक्स के शिक्षक अनिल सर, प्रोग्रेस क्लासेस के पिंटू सर, आरती क्लासेस के मुन्ना सर, केमिस्ट्री टीचर गौतम सर, डीके इंस्टीट्यूट के धनुष सर और पप्पू सर नया टोला में, और इसके अतिरिक्त अनेकों ऐसे शिक्षक जिनके नाम यहाँ अंकित नहीं है, वे सभी अपने अपने कोचिंग के माध्यम से सैकड़ों विद्यार्थियों को प्रतिदिन शिक्षित करते हैं। रेल मार्ग से नहीं जुड़े होने के बावजूद यह नगर सीमित संसाधनों में खुद को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील है और यहाँ के नगरवासियों की जागरूकता से विकास संभव भी लगता है। अब बारी आती है यहाँ के छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की। जिस आशा के साथ जनता ने आपको अपना वोट देकर आपको चुनाव में विजयी बनाया है, आप सभी उनके आशाओं को पूरा करें और बिना किसी जाति और धर्म के भेदभाव के आप सबके विकास के लिए कार्य करें। बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रेम कथा हमारे डुमराव नगर के निवासी और एक बहुत ही चर्चित लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने उनके प्रेम कथा पर एक पुस्तक भी लिखी है। जगदीशपुर के गौरव को उन्होंने अपने शब्दों में बखान किया है, आप उनकी पुस्तक अवश्य पढ़ें। मैं डुमराव बक्सर जिला निवासी मनोज कुमार आपके जगदीशपुर को जितना देखा और जो भी आंकड़े हमने इंटरनेट से अध्ययन किए उसके आधार पर आपके नगर का यह एक छोटा सा विवरण है। त्रुटियां अक्सर रह ही जाती है, अतः आपके परामर्श का सदैव स्वागत रहेगा। नमस्कार।